और आप देख सकते हो उसमें भी आ गया है, और ये मैंने माउस लगा रखा है तो माउस भी जो है वर्क कर रहा है। वाह वंडरफुल। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ और व्यस्त हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाने में। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको दिखाया था अनबॉक्सिंग करके हर एक सामान, और ये आप देख सकते हैं सारा सामान मेरा रखा हुआ है और इसी को मैं अभी जो है असेंबल करूंगा। सो आप जो है वीडियो पे बने रहें और आज देखें कि एक सीपीयू को असेंबल कैसे किया जाता है। सो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, टैबलेट में जो है सबसे पहले मैं लगाऊंगा SMPS, क्योंकि सबसे पहले इसी को जो है हम इंस्टॉल करते हैं। इसका वायर इतना हार्ड है गाइस कि इसको लगाने में दिक्कत हो जाता है। सो गाइस, अभी फाइनली जो है हमारा SMPS इसमें इंस्टॉल हो गया, और साथ में जो है हमारे ये अनिल भारती जी हैं, क्योंकि इनको भी जो है टेक्निकली बहुत ही नॉलेज है, और ये साथ में रह के इस SMPS को जो है इसमें इंस्टॉल करवा रहे हैं। और गाइस, अब नेक्स्ट जो है हमारा लगेगा मदरबोर्ड, उसके लिए हमें एक फ्लेट लगाना पड़ेगा। गजब। बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस आज, मतलब खुशी हो रही है कि मैं खुद अपने हाथों से जो है एक CPU जो है असेंबल कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है। तो गाइस, हमने SMPS लगा लिया, मदरबोर्ड लगा लिया, और अभी जो है मैं SMPS का जितना वायर है मैं मदरबोर्ड से कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको और चीज़ लगाने को दिखाऊंगा। और साथ में जो है अनिल भाई तो लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप, और काफ़ी हम लोग खुश हैं आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का डर भी लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है। सो गाइस, अभी हमने जो है जितना भी वायरिंग करना था आप देख सकते हैं हमने सब जो है इसमें लगा दिया है बढ़िया से, और अब जो है नेक्स्ट नंबर जो आता है गाइस ये है SSD कार्ड का। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जो है इसमें हार्ड ड्राइव नहीं लगवाया है, मतलब लगा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं अभी जो है फिलहाल इसी SSD कार्ड से काम चलाऊंगा, और फ्यूचर में जो है मैं जाके एक जो है हार्ड ड्राइव लगवा लूँगा। सो मैं पहले इसको जो है इसमें इंस्टॉल करता हूँ। सो गाइस, फाइनली जो है काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी माइंड लगाने के बाद, ये आप देख सकते हैं कि हमारा CPU जो है बिल्ड हो चुका है, असेंबल हो चुका है, और साथ में जो है ये सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है, क्योंकि ये भी जो है टेक्निकली बहुत ही नॉलेज है इनको, तो हम दोनों मिलके इसको जो है असेंबल किए हैं। और अभी मैं जो है ये रहा पावर केबल, और इसी से मैं इस पर इसको लगाता हूँ, इसको प्लग इन करता हूँ पावर से, और देखते हैं कि क्या हाल है इसका। और ये आप देख सकते हैं ये है हमारा UPS, तो मैं इसी में लगाऊंगा क्योंकि ये इसी के लिए आया ही है। तो गाइस, मैं इसमें लगाता हूँ प्लग, ये हमारा प्लग इन हो गया है, और ये इसमें लगाया है। तो गाइस, फाइनली जो है ये ऑन हो गया भाई, इसको पहले मैं खड़ा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं गाइस, हमारा जो प्रोसेसर फैन है वो भी ऑन हो गया है, और SMPS का फैन भी जो है ऑन है। इसका मतलब जो है हम लोग बनाने में, इसको असेंबल करने में सक्सेस हो गए, और मैं अभी ला के देखता हूँ, इस पर मोनिटर लगा के देखता हूँ। तो गाइस, हमने फाइनली मोनिटर को भी प्लग इन कर दिया है, और मैं अभी लगाता हूँ इसका जो VGA केबल है,
सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारा सेटअप तैयार है और मैं अभी जो है इसका स्विच ऑन करता हूँ। ये हमारा यूपीएस ऑन हो गया और उसके बाद अभी सीपीयू का बटन ऑन करता हूँ। ये गाइस हमारे सीपीयू में लाइट आ गई और आप देख सकते हैं उसमें भी आ गया है और ये मैंने माउस लगा रखा है तो माउस भी जो है वर्क कर रहा है। वाह वंडरफुल। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमने जो है आज बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही काफ़ी टाइम तक हम लोग परेशान हुए तब जाके हम एक सीपीयू असेंबल कर पाए। तो आपने देखा कि हमारा सीपीयू जो है प्रॉपर काम कर रहा है, मॉनिटर में लाइट जो डिस्प्ले है वो आ रहा है। सो हम लोग जो है काफ़ी हैप्पी हुए आज क्योंकि हमने खुद असेंबल किया इसको और साथ में अनिल भारती और साबिर भाई सब लोग साथ में हम लोग घर पे ही हमारे हैं और घर पे जो है हमने एक सीपीयू आज असेंबल किया। सो गाइस आज का हमारा ये सीपीयू असेंबल करना आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आज का ये ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।